और इस खुशी में शादी कर लिए कि रिजल्ट हुई है, नौकरी होगी, बीवी हो गई, बच्चे हुए, एक से तीन चार हो गए, अभी काफी परेशानी है, यहाँ तक के लग रहा है कि अब जीना मुश्किल है। शिक्षक है ही नहीं विद्यालय में और आपका रिजल्ट 90% है, 95%, ये कैसे? यही बेरोजगार को अपनी बेटी कौन दे? लाइव बिहार, मैं आपके साथ छिड़ूपम सिंह। अभी मैं सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास हूँ और इनकी जो तकलीफें हैं वो जानने के लिए आपको बता दूं कि कई लोगों का तो ये कहना है कि इसकी ना ज्वाइनिंग होने की वजह से टाइम खत्म होते जा रहा है, किसी की शादी लग चुकी है, शादी भी टूट रहा है, किसी की शादी भी नहीं हो रही है। चलिए, जो लोग हैं हम उनसे जानते हैं, अभ्यर्थियों से, क्या है आप लोगों का प्रॉब्लम? ये तो समस्या आपसे अवगत है कि सातवां चरण का बहाली हो और प्राथमिक शिक्षक जो मांग है, कई समस्या बीते दो वर्षों में जिस तरह कोविड महामारी के बाद एक बिहार का जो पॉपुलेशन है 95% पॉपुलेशन ऐसा है जो थोड़ा बड़ा काम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसा का ट्रांजेक्शन बाहर से करना पड़ता है, किसी लेना पड़ता है। बीते दो वर्षों में जिस तरह आर्थिक दौर पूरे विश्व में रहा है उसका शिकार भारत भी है और बिहार तो सबसे अधिक है। और इस दौर में जो व्यक्ति हम जैसे हम लोग जो सामान्य परिवार से आते हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, हम सब बीएड करके इस आस में है कि बहाली है, शिक्षक रिक्ति भी है, स्कूल भी है, बच्चे भी अवेलेबल हैं, तो बहाली क्यों ना हो। यदि बहाली हो जाती है तो ये जो आर्थिक तंगी है दो साल पहले यदि किसी परिवार पर, मेरे ही परिवार पर 1 लाख कर्ज रहा होगा किसी कारणवश, तो वो इस 2 साल में 3 लाख हो गया है और वही कमाने वाला एक ही मेम्बर है और उनकी जॉब क्राइसिस भी ढेर सारी है। कई ऐसे मेरे मित्र हैं जिनके पिताजी का जॉब लॉस छूट गया है। तो इस तरह से ये जो समस्याएं हैं वो बिहार को और पीछे करने के लिए, और एक ऐसी है मेरी कि शादी ठीक हुआ था मैडम जी और मई में होने वाला था, तो मैं शिक्षा मंत्री जी कहते कि जल्द करेंगे, हमको लगा अप्रैल बाद। शिक्षा मंत्री बोले थे शादी जल्द करेंगे? शादी नहीं मैडम जी, शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि बहाली जल्द करेंगे। जल्द के चक्कर में हम मई में डेट फिक्स कर लिए और जब मई में डेट फिक्स कर ली, जल्द नहीं हुआ तो अब डेट एक्सटेंड नवंबर तक कर दिए हैं। बोले क्या पता कहीं जल्दी में नवंबर आ जाए, यदि नवंबर तक भी जल्द नहीं हुआ फिर अगला साल कर देंगे फगवा में। अब देखिए कब तक होता है। और ये समस्याएं हम सब में से बहुतों की है जी। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार यदि युवा विरोधी होती तो हम मानते, सरकार गरीब विरोधी है और सरकार ऐसी शिक्षा दे रही है बिहार में, उस शिक्षा को हम कहेंगे ये बोनलेस शिक्षा है। जिस तरह चिकन चिल्ली खाते हैं, एक बोन वाला एक बोनलेस वाला, ये बोनलेस एजुकेशन है जहाँ पर जब शिक्षक है ही नहीं विद्यालय में और आपका रिजल्ट 90% है, 95%, ये कैसे? चलिए, आपका तो समस्या सुन के, क्या भाई आपका भी एज पार हो रहा है, शादी का? बिल्कुल, ये तो सबकी समस्याएं हैं, युवाओं की समस्या है। हम लोगों की दिक्कत ये है कि उम्र निकलता जा रहा है और हर चीज़ चूँकि समय से यदि हो जाए, समय से नौकरी हो जाए उसके बाद आदमी घर बसा ले, लेकिन यहाँ तो तमाम योग्यता हो। ये बोनलेस एजुकेशन है जहाँ पर जब शिक्षक है ही नहीं विद्यालय में और आपका रिजल्ट 90% है, 95%, ये कैसे? चलिए, आपका तो समस्या सुन के, क्या भाई आपका भी एज पार हो रहा है, शादी का? बिल्कुल, ये तो सबकी समस्याएं हैं, युवाओं की समस्या है। हम लोगों की दिक्कत ये है कि उम्र निकलता जा रहा है और हर चीज़ चूँकि समय से यदि हो जाए, समय से नौकरी हो जाए उसके बाद आदमी घर बसा ले, लेकिन यहाँ तो तमाम योग्यता होने के बावजूद हम लोग की नौकरी नहीं मिल पा रही है तो घर भी नहीं बस पा रहा है। दिक्कत यही, बेरोजगार को अपनी बेटी कौन दे, बड़ा सवाल है। यहाँ तो बेटी लोग भी हैं आंदोलन पे, तो वो बेचारी लोग का। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो मैडम है वो भी बीएड है, सीटेट है, एस्टेट अच्छा, है, वो भी धरना पे बैठी हुई है क्या? नहीं, उनके बदले में हमको 2 दिन रहना पड़ता है, वो एक के बदले में 2 काम करना पड़ता है, हमको समझ सकते हैं। कहाँ है, देखिए कौन बोल रहे हैं। ये सारी समस्याएं हम सबके साथ हैं और सबसे बड़ा बात है कि ये जो गरीब बिहार है इसको हम मजबूत, और अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मुझे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में बिहार की शिक्षा ऐसी है कि यह वह बकरी का दूध है जो जितना पिएगा उतना मिमी आएगा। आप भी बकरी का दूध पिया है? देखिए, अभी वर्तमान परिस्थिति में तो यही लग रहा है, बीएड कर लिए, सीटेट क्वालिफाइड है, लेकिन 3 साल से हम लोग यही कर रहे हैं, पटना औरंगाबाद से पटना, पटना से औरंगाबाद, लेकिन बहाली होने का कोई नाम मिलेगा। तो बीएड वगैरह करने में भी कम पैसे नहीं लगते हैं? हाँ जी, कम से कम के लिए भी लोग सोचते हैं इतने पैसे लगाकर। जितने भी लोग हैं इसमें सब एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, बीएड करने के लिए कम से कम 2-2.5 लाख रुपया लगते हैं और 2 साल समय
तो बहुत ही परिश्रम के बाद उस पैसा को इकट्ठा किया जाता है, फिर बीएड हम लोग किए। 2019 में रिजल्ट फाइनल हुआ हम लोग का सीटेट का। उसके बाद हम में से बहुत से अभ्यर्थी शादी भी कर लिए इस खुशी में कि बहुत जल्दी नौकरी होने वाली है। तो शादी हुई, फिर बच्चे हुए। महंगाई इस कदर है कि एक आदमी का पेट पालना मुश्किल है, और इस खुशी में शादी कर लिए कि रिजल्ट हुई है, नौकरी होगी, बीवी हो गई, बच्चे हुए, एक से तीन चार हो गए। अभी काफ़ी परेशानी है, यहाँ तक के लग रहा है कि अब जीना मुश्किल है। शिक्षा मंत्री अब क्या चाहते हैं, हम लोग को जीने देंगे या मार डालेंगे, उन्हीं के हाथों में है। आप क्या कहते हैं? आप तो खुद जान रहे हैं कि बीएड करने में 2-2.5 लाख रुपया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं कि कॉलेज का फीस, समय, माननीय शिक्षा मंत्री जी भी जान रहे हैं कि मैंने कितना स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। 2 साल का कोर्स बीएड करने के बाद हम लोग ने सीटेट पास किए, उसके बाद से बहाली जो सरकार कर रवैया हम लोग के खाली गुमराह कर रहे हैं कि बहुत जल्द बहाली दे रहे हैं, इससे हम लोग नाखुश होकर धरना प्रदर्शन पर आए। और जान रहे हैं कि बीएड करने में हमारे पिताजी एक किसान और मजदूर हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिए थे हमारे पिताजी पर, बार बार नोटिफिकेशन। हम लोग अभी बस इंतजार में है जो पढ़ाई किए उसके बाद मानिए पिताजी बोले कि अब कुछ नहीं हो रहा तो खेत पर भी काम करना पड़ता है, और हमारे जो शादी हॉल था वो पहले छोड़ के पत्नी भाग गई कि आपके पास पैसे नहीं तो हम रहेंगे क्यों। सच में छोड़ के जी सच में छोड़ के भाग गई, और दूसरा कुटुंब करने के लिए भी तैयार नहीं था। बोले सतमा चरण बहाली देगा तो देखेंगे, लौट जाएगी, फिर वो लौटेगी कि शादी करके चल गई तो दूसरा शादी करेंगे। और यार इससे क्या बड़ा दुख हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि जितना संभव हो हम लोग का नोटिफिकेशन जल्द दे, और हमारे जैसा कितना भाई मित्र बंधु या बहने जो पड़ी हुई है इसके लिए आप जान रहे हैं कि कितना कफासी पर जाती है, तो कितना दुर्घटना में जाती है, तो कोई ट्रेन पर या किसी का गार्जियन का माननीय बोझ है। इस सब को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अपील है कि जितना संभव हो नोटिफिकेशन डेट के साथ जल्द ही जल्द करें कि हम लोग शांति बनाए रखें। यानी कि शिक्षा मंत्री जी कई लोगों का घर भी तोड़ चुके हैं, और तोड़ने की संभावना में भी अभी सुन लिए हमारे भाई लोग बोले कि हम लोग जो थे मई में शादी करने थे तो नवंबर किए, नवंबर से फगुआ, फगुआ से हो सकता है फिर बैसाख, फिर बैसाख से भादो न चल जाए। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री के सामने जो ये लोग मांग रख रहे हैं, सातवें चरण की बहाली की तो मांग रख ही रहे हैं, और उसके साथ साथ जो इनका कहना है, जो अपनी तकलीफें जो बयान कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री की वजह से हमारे घर बस नहीं रहे, किसी का घर बसा बसाया उजर रहा है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा मंत्री कब तक इन लोगों की मांगे को पूरा करते हैं, क्या जिनकी शादी लगी हुई है क्या हो पाती है भी, या ऐसे ही लटका हुआ नजर आता है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।